जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल RDDA साउंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऑडियोटोन ने हाल ही में कुछ स्पीकर लॉन्च किए हैं, उन सभी स्पीकर के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो होने वाली है। जो भाई अपने डीजे सेटअप में ऑडियोटोन के स्पीकर यूज करते हैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑडियोटोन के सभी स्पीकर के बारे में एक एक करके जानकारी जानने की और प्राइस जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सभी भाइयों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आपके मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या भी दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM करके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या भी दोस्तों स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको शो हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियोटोन के पहले मॉडल नंबर स्पीकर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आपको AD18X2125YX देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये स्पीकर आपको 2100 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉमिनल डायमीटर के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉमिनल डायमीटर 18 इंची यानी कि 465 mm है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के वॉइस कोयल के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का वॉइस कोयल आपको इन और आउट में 117 mm यानी कि दोस्तों 5 इंच देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इस स्पीकर के नॉर्मल इम्पीडेंस के बारे में, तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मल इम्पीडेंस आपको 8 ओम देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का अप्रोक्स प्राइस अभी तक कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आपको अप्रोक्स प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इस स्पीकर का प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं दोस्तों आपको प्राइस नहीं बता सकता। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मॉडल नंबर स्पीकर के बारे में। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस स्पीकर के मॉडल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस स्पीकर का मॉडल नंबर आपको AD18X2335YX देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्पीकर आपको 2350 वाट में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मिनल डायमीटर के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मिनल डायमीटर आपको 18 इंच यानी कि 465 mm देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर के वॉइस कोयल के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का वॉइस कोयल आपको 135 mm यानी कि दोस्तों 5.5 इंच देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन और आउट दोनों लेयर में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मिनल इम्पीडेंस के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मिनल इम्पीडेंस आपको 8 ओम देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्पीकर का अप्रोक्स प्राइस कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, इसलिए दोस्तों मैं आपको अप्रोक्स प्राइस नहीं बता सकता। यदि दोस्तों मेरे को इन सभी स्पीकर का प्राइस पता चलता है तो दोस्तों मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल के बता दूंगा, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पर रील बना के मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर से कर देना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर के बारे में। दोस्तों इस स्पीकर का मॉडल नंबर आपको AD18X2530YX देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये स्पीकर आपको 2500 वाट में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मिनल डायमीटर के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मिनल डायमीटर आपको 18 इंच यानी कि 465 mm देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस स्पीकर का वॉइस कोयल आपको 127 mm यानी कि 5 इंच देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन और आउट दोनों लेयर में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मिनल इम्पीडेंस के बारे में। तो दोस्तों ये स्पीकर आपको 8 ओम इम्पीडेंस में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस स्पीकर का प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं, तो मैं आपको अप्रोक्स प्राइस नहीं बता सकता। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर के बारे में, जो कि दोस्तों ये हमारा स्पीकर 4th नंबर का स्पीकर होने वाला है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के मॉडल नंबर के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का मॉडल नंबर आपको AD18X2645YX देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये स्पीकर आपको 2800 वॉट का देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मिनल डायमीटर के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मिनल डायमीटर आपको 18 इंच यानी कि 465 mm देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस स्पीकर के वॉइस कोयल का साइज आपको 152 mm यानी कि 6 इंच देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन और आउट दोनों लेयर में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मिनल इम्पीडेंस के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मिनल इम्पीडेंस आपको 8 ओम देखने को मिल जाएगा।
और वही दोस्तों इस स्पीकर का प्राइस कभी मेंशन नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पीकर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आपको 18X2740YX देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये स्पीकर आपको 2750 वॉट में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मल डायमीटर के बारे में। दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मल डायमीटर आपको 18 इंच यानी कि 465 mm देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के वॉइस कॉइल के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का वॉइस कॉइल आपको 135 mm यानी कि 5.5 इंच देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन और आउट दोनों लेयर में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मल इंपेडेंस के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मल इंपेडेंस आपको 8 ओम देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इस स्पीकर का प्राइस कहीं पे मेंशन नहीं है तो मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्पीकर के बारे में, जो कि दोस्तों ये स्पीकर हमारे आज की वीडियो का लास्ट स्पीकर होने वाला है। इसका मॉडल नंबर दोस्तों आपको AD18X3155YX देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये स्पीकर आपको 3100 वॉट में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इस स्पीकर को आपको चलाने के लिए काफ़ी हाई वोल्टेज का एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का स्पीकर है, इसलिए दोस्तों आपको इस स्पीकर को चलाने के लिए काफ़ी हाई वोल्टेज का भी एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मल डायमीटर के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मल डायमीटर आपको 18 इंच देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 465 mm देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के वॉइस कॉइल के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का वॉइस कॉइल आपको 152 mm देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 इंच में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन और आउट दोनों लेयर में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नॉर्मल इंपेडेंस के बारे में। तो दोस्तों इस स्पीकर का नॉर्मल इंपेडेंस आपको 8 ओम देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों इन सभी स्पीकर का प्राइस कहीं पर भी मेंशन नहीं है तो दोस्तों मैं आपको इन सभी स्पीकर का प्राइस नहीं बता सकता। जैसे ही मेरे को इन सभी स्पीकर का प्राइस पता चलता है तो दोस्तों मैं आपको इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल के या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पर रील बना के मैं आपको इन सभी स्पीकर का प्राइस बता दूंगा। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।